जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एट CAPF बाय सेम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है या उनके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर मिल सके, इसलिए दोस्तों बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सशस्त्र सीमा बल में ASI स्टेनो वगैरह के और ट्रेड्समैन के रिजल्ट जारी हो चुके थे। तो दोस्तों, कल इनका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। ठीक है, आपको मैंने लिंक वगैरह जो सारी चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी थी यूट्यूब पे पहले ही, और मैं पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इनका जो है 5 तारीख से पहले पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और दोस्तों, आज देखिए, आज SSB में एडमिट कार्ड सभी के जारी भी हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप डाउनलोड, अगर मतलब किसी बच्चों को काफी एरर्स आ रहे हैं डाउनलोड करने में, क्योंकि कल जो साइट है काफी बिजी रही थी, लेकिन आज थोड़ा सा ये साइट है वो अभी फ्री है बिल्कुल। तो आप अपने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर ASI स्टेनो का एडमिट कार्ड अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो भाई बहुत से बच्चे सुन रहे थे, मतलब बहुत से बच्चे ये बोल रहे थे कि सर इलेक्शन की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या। देखो, अभी क्या है ना दोस्तों, SSB बिल्कुल एक्टिव है, अभी कोई इलेक्शन का जोर दबाव नहीं है। ठीक है, अभी क्योंकि जो मिनिस्टर स्टाफ है वो तो अपना काम कर ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है वर्किंग है, जो ASI स्टेनो वगैरह जो स्किल टेस्ट वगैरह, वो सब चीज रेडी है, वो सब चीज चलेगा। ठीक है, और अभी जहां तक कोई बाधा इलेक्शन की तरफ से कोई नहीं आई है। ठीक है, मतलब इनका काम रुकने वाला नहीं है, मतलब ये जो प्रोसेस है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी जो आपका स्किल टेस्ट है ASI स्टेनो होगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो ट्रेड्समैन है, ट्रेड्समैन में आप जो भी ले लीजिए, चाहे कॉन्स्टेबल वाशरमैन ले लीजिए, या कॉन्स्टेबल वेटर ले लीजिए, या कॉन्स्टेबल पेंटर ले लीजिए, ठीक है, या कॉन्स्टेबल कुक ले लीजिए, या कॉन्स्टेबल सफाई वाला ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो सभी ट्रेड है, कॉन्स्टेबल ड्राइवर ले लीजिए, तो सभी ट्रेडों का दोस्तों अब ट्रेड टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, इनका भी दोस्तों सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है, इलेक्ट्रीशियन का भी एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, और जहां तक है आज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई ट्रेड टेस्ट किस किस टाइप से होते हैं न्यू वीडियो में, बाकी पुरानी वीडियो में मैंने आपको दे रखा है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सिम, इसमें आप जुड़ जाइए, इस पे मैंने आपको सारी जो ट्रेड टेस्ट रिलेटेड वीडियो है, ठीक है, ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड वीडियो है, वो सारी वीडियो मैंने यहाँ पर डाल रखी है, आप यहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं और अपना जो भी ट्रेड टेस्ट है उसे क्वालिफाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और आपका दोस्तों ये भी ध्यान रखना, जो ट्रेड टेस्ट रहने वाला है वो क्वालिफाइंग ही रहने वाला है। ठीक है, जो आपका मार्क्स ओवरऑल 100 मार्क्स का जो रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था ट्रेड टेस्ट का, ये जो ट्रेड्समैन में, ठीक है, इसमें आपका 100 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन रहा था और 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है ट्रेड टेस्ट। ठीक है, और ट्रेड टेस्ट में से आपको 50 में से लगभग 30 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, 30 मार्क्स लाओगे तब आपका क्वालिफाइंग नेचर ये माना जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि भैया हाई फाई मार्क्स लाओ, ठीक है, 30 मार्क्स भी अगर आप कह रहे हैं तो आपका क्वालिफाइंग माना जाएगा। और जो ये 50 मार्क्स है इसमें नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, इसमें नहीं जुड़ेंगे, मतलब 100 मार्क्स में से ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो वही ट्रेड टेस्ट की जल्दी से तरीके से तैयारी कर लीजिए और वीडियोस को उनको देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और मेडिकल से रिलेटेड भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, सारे ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड वीडियो फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बट अपना प्रिपरेशन ढंग से तरीके से कीजिए, क्योंकि अब तो आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड तो आ ही चुके हैं, और एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी के पास। ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। ठीक है, आप किसी को कोई वो नहीं है, अब तो आपका बस मेडिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट वगैरह और डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, ये चीजें सारी होनी है, तो अपना तरीके से इन चीजों को करिए। ठीक है दोस्तों, जय।